ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਪੰਥਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ जे बंदी सिंह छुड़ा चाहते इन्हों की सरकार रही है इन्होंने क्यों नहीं छुड़ाया भुल्लर के जो फादर और मासर जो मारिया सुमेर सैनी इन्होंने डीजीपी नवाजिया तो कितों बंदी सिंह बनने जे इन्होंने अज इन्हों बंदी सिंह की भैन दिस रही है खड़े करने भी असं ये खड़े करना तो जिस वेले वो खड़ी हुई सी कमलदीप उस वेले इन्हें ढिलों क्यों खड़ा करता से उस वेले नहीं बंदी सिंह उस वेले राजू होना बाहर से कल कमलदीप कौर बंदी सिंह के परिवार की नहीं सी अज लोड़ पै गई तो अब बंदी सिंह जे इन्ना ही है तो फिर राजू आने की भैन ही क्यों हाला सत श्रीकाल जी स्काई न्यूज़ पंजाब वेख रहे दर्शकों का स्वागत है दर्शकों मैं तुहाडा होस्ट नील भुलेंद्र सिंह संगरूर लोग सभा की जिमनी चोण सब तो वध चर्चा च है सब तो वड्डी चर्चा इस वक्त हो रही है कि बंदी सिंह की रिहाई जिहड़ी है वह मुख्य मुद्दा इस इलैक्शन का बनिया होया है खासकर पंथक धिरां दे विच दो तरह दीआं पंथक धिरां इस मैदान च कुदियां होईआं ने एक तां श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान उन्हीं अपनी पार्टी वालों लड़ते हैं तो दूजा बलवंत सिंह राजोवाणा के मूँह बोले भैन कमलदीप कौर राजोवाणा श्रोमणी अकाली दल बादल की टिकट पर इलैक्शन लड़ते हैं पर की बंदी सिंघां दी रिहाई का मुद्दा या मसला जिहड़ा है ये इलैक्शन हल कर पाएगी जां फिर चुनावी मुद्दा है बंदी सिंघां दा यह मसला की है इस ते आपां गलबात करदे आं सिख संघर्ष सरगर्म रहे बीबी निरप्रीत कौर उन्होंने नाल सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल की लगता है कि जो संगरूर की लोग सभा की जिमनी चोण है ये बंदी सिंह का मुद्दा एक वड्डे मुद्दे तौर पर उभरिया तुसी खुद बंदी रहे हो तुसी भी सिख परिवार चो बंदी सिखां दी कैटागरी चाहते हो कि लगता है कि यह सिर्फ सियासी मुद्दा है या फिर इस इलैक्शन तो बाद यह ज़्यादा होर मोटे तौर पर उभर के सामने आएगा बंदी सिंह का मुद्दा देखो बंदी सिंह का मुद्दा तो इलैक्शन वेले ही आता जिस तरह 84 के वेले इलैक्शन के वेले 84 के पीड़ित याद आते हैं उस कतलेआम याद आता सेम उस तरह है इदा का बंदी सिंह इस बार तो ज्यादा ही जोर नाल चुकया गया इस बार जा रहे इस करके क्योंकि बादलों के जो श्रोमणी अकाली बादल ग्रुप बादलों का ना ये थले चले गए हैं हूँ इन्होंने चाहिए कि भी असं किस तरह पब्लिक चाहिए कि भी असं लोगों जिदा पहला गुमराह करते रहे हैं तो भी इस तरह का पंथक पंथक करके तो हूँ असं बंदी सिंह का नाँ लैके तो असी जित जाइए या सानू वोटा मिल जाए इन्हों वोटा नहीं मिलनगियां बंदी सिंह एक अद्धी बंदी सिंह के परिवार च गए ने जे बंदी सिंह छुड़ा चाहते इन्हों की सरकार रही है इन्होंने क्यों नहीं छुड़ाया ये खुद अंदर है तुम दविंद्रपाल सिंह भुल्लर की मदर ने इन्हों लैटर पाई है इन्होंने लैटर द इन्होंने उस तो बाद स्टेटमेंट की दी सी भुल्लर इन्होंने इतने आन नहीं दिता सी भुल्लर के जेडे फादर और मासर जो मारिया सुमेर सैनी इन्होंने डीजीपी नवाजिया तो कितों बंदी सिंह बनने राजू आने वेले वेले राजू आने की जो फांसी रुकवा से इन्नी पब्लिक कट्ठी हुई इन्ना कुछ संगत कट्ठी हुई है तो उस वेले एक कला कला मुंडा जसो अपना जसपाल सिंह चौड़सदरा का मारिया जो मुंडा मारिया उन्होंने करके उस वेले भी तो यही सरकार सी इन्होंने वह क्यों मारिया जी बहुत सारे है इन्होंने गल है अज बंदी सिंह अज इन्होंने चक जे इन्होंने अज इन्होंने बंदी सिंह की भैन दिस रही है खड़े करने भी असं ये खड़े करना तो जिस वेले वो खड़ी हुई सी कमलदीप उस वेले ने ढिलों क्यों खड़ा करता सी उस वेले नहीं सी बंदी सिंह उस वेले राजू होना बाहर सी बंदी सिंह सारे बाहर सी पर दूजा पहलू यह है कि सिमरनजीत सिंह मान जिहड़े ने वह भी इस मुद्दे नूं भी एक मुद्दा गिणदे ने वैसे वह तो लार्जर मुद्दों के उत्ते इलैक्शन लड़दे ने पर सिमरनजीत सिंह मान नूं लैके भी सवाल खड़े हुंदे ने कि वह कदे योग अगवाई नहीं दे सके पंथ नूं बिल्कुल गलत गल आ देखो सिमरनजीत सिंह मान की लैटर के एक साइन नाल बाहर लोग पक्के हो जाते हैं ये मैनू दस दें कि भी इन्होंने इस परिवार ने की किया इन्ह परिवार इन्हों परिवार की देना कौम को अपने आप फकरे खा लै लिया कौम लै लिया या वो इधरों पैसा कट्ठे उधरों पैसा कट्ठा कर लिया लोगों को बेवकूफ़ बना लिया इन्हों की कौम की देना लोगों के घरों के घर खाली करवाते यदि देन है ये पंथक ने सिमरनजीत सिंह मान चाहे कुछ भी एक उन्होंने एक निशाने पर खड़े लड़ते हैं च चाहे अस ये लोग उन्होंने वोट नहीं पाते हमेशा उन्होंने पर बंदा ये कहना ये तो नहीं अज इधर चले गया उन्होंने किया ये तो गेम खेडते हैं कल कमलदीप कौर बंदी सिंह परिवार की नहीं सी अज लोड़ पै गई तो अब बंदी सिंह जे इन्ना ही है
तो फिर राजू आने की भैन ही क्यों लिया, हालांकि अपने गो गोल्डी की सिस्टर राजू आने की मूँह बोली भैन है, तो इन्होंने मूँह बोली भैन ही बनाया। दूजे बंदी सिंह परिवार ले लेंगे, तारे की सिस्टर भी सरबजीत कौर है उन्होंने बना लेंगे, हवारे की भी कजन हैगी भी बना लेंगे। पर कारण की है कमलदीप कौर भी क्यों चुने फिर? कमलदीप कौर क्योंकि राजू आने उन्हें हमेशा जो अपने फादर की भोग से भी है उदू भी इन्होंने कहा अकाली दल में वोट पाओ, वो करते ही इन्हों की गल ने। परिवार परिवार ऐसे परिवार की हेल्प करे, बाकी बंदी सिंह नहीं, गुरमीत सिंह है, शमशेर सिंह है, लखविंदर सिंह है, चलो लखविंदर सिंह तो जीजा की हेल्प कर रहे हैं, जंग सिंह की कर रहे हैं जंग सिंह की, बाकी प्योरा है परमजीत सिंह, प्योरा है जगतार सिंह तारा उधर चले जाते, नाले इन्होंने स्वाद भी मिल जाता। नहीं खैर चलो 26 तरीक नू नतीजे आ जाने हैं, उदों साबित हो जाना कि किहदियां वोटां वध निकलदियां, पंथ किहड़े पासे चल रहा है। नहीं पर सवाल बीबी नरप्रीत कौर जी ये है कि पंथ नू हुण लोड़ है कि सहयोग अगवाई दी, की लगता है कि इलैक्शनां हुण निश्चित कर देणगियां कि पंथ किस वल जाना चाहुंदा किस वल नहीं? मैं कहनी हाँ बादल अलग हो जाना, सुखबीर अज अपनी अपने आप नू प्रधानगी तों इस्तीफा दे देना, सारा पंथ इकट्ठा हो जूगा, सिर्फ एक इहनां दी वजह नाल नहीं इकट्ठा हो रहा। बाकी मैं तो समूह संगत नूं संगरूर वासियों नूं यही बेनती करांगी कि भी तुसीं इहनां कि एक बारी तुसीं इहनां नूं इहनां कि तां इहनां नूं वोटां देणे, तुसीं एक भी वोट ना खराब करो, इहनां नूं भई कोई पंथक पार्टी नहीं हैगी, इहनां कोई करदे ने, इह पंथक पार्टी हैगी आ पर इह पंथक नूं ना अगे लै के अपना उल्लू इहनां ने सिद्धा करना, क्योंकि इहनां नूं कोई पुछदा नहीं हैगा। मैं तो बेनती करनी आ कि वोटां सारे सिमरनजीत सिंह मान नूं पाओ, इहनां नूं ना पाओ, जिहड़ी इहनूं एक वोट पानी उह खराब ना करो, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।